हेलो फ्रेंड्स, एस एन एजुकेशन पॉइंट को समस्त को स्वागत। दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान षष्ठ अध्याय आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन यही अध्यायर प्रश्नावली और उत्तरवाला देखा। तेल चलो स्टार्ट करने भिडियोटी। एक नंबर क्वेश्चन कही निम्नलिखित पदार्थ गुड़िक मध्य क्यों गोटिक लेंस तैयारी में व्यवहृत हो पारना। ऑप्शन गुड़िक रही जल, काच, प्लास्टिक, माटी। ताहले आंसर है ऑप्शन नंबर डी माटी। ताहले देखिबा आम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कही गोटे अवतल दर्पण रे सृष्टि होउथिबा प्रतिबिंब आभासी सलख ओ वस्तु ठारु आकार रे बड़ ताहा हेले वस्तु केउठी अवस्थित रहिबो। ऑप्शन गुड़िक आम देखने। एक नंबर ऑप्शन रे कहिछि प्रमुख फोकस ओ वक्रता केन्द्र मध्य रे, पी रे रहिछि वक्रता केन्द्र उपरे, सी रे रहिछि वक्रता केन्द्र ठारु दूर रे, ओ डी रे रहिछि दर्पणर फोल ओ प्रमुख फोकस मध्य। सठिक आंसर है दर्पणर पोल ओ प्रमुख फोकस मध्य ऑप्शन नंबर डी। ताहले आम देखने तीन नंबर रे। तीन नंबर क्वेश्चन कही गोटे उत्तल लेंस सम्मुखें वस्तु केउठी रहिले समान आकार रे वास्तव प्रतिबिंब मिलपार। ऑप्शन गुड़िक देखनि लेंसर प्रमुख फोकस ठारे, बी रे रही फोकस दूरतार दुई गुण दूरत्व तीन नंबर ऑप्शन रही अनंत दूरत डी नंबर ऑप्शन रही लेंस और प्रमुख फोकस मध्य। सठिक आंसर टी हे फोकस दूरतार दुई गुण दूरत्व जोटा कि रही आमर ऑप्शन नंबर बी। तापर देखिबा आम चारि नंबर। चारि नंबर कही पर्तुलाकार दर्पण और पर्तुलाकार लेंस प्रत्येकर फोकस दूरता होउछि -15 सेंटीमीटर अटे। ताहले दर्पण और लेंस द्वय संभवतः कौन हो पारिबे। ऑप्शन गुड़िक देखने उभय अवतल रहिबे ना पी रे रहिछि उभय उत्तल, सी रे रहिछि दर्पण अवतल और लेंस उत्तल रहिबो। ऑप्शन नंबर डी रहिछि दर्पण उत्तल और लेंस अवतल हेबो। ताहले चारि नंबर आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए उभय अवतल। तापर आम देखिबा पांच नंबर। पांच नंबर आमको कही तुम्हें गोटे दर्पण सम्मुखें जोठी ठिया हेले भी तुम प्रतिबिंब सलख हुए तेबे दर्पण की प्रकार दर्पण हेबार संभावना अच्छी। ऑप्शन गुड़िक रही समतल, अवतल, उत्तल, समतल किंबा उत्तल। ताहले आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी समतल किंबा उत्तल। ताहले देख छ नंबर को। छ नंबर कही डिक्शनारी छोट छोट अक्षर पढ़ापी तुम्हें निम्नलिखित लेंस गुड़िक मध्य केउटी को व्यवहार करने बाछब। ऑप्शन गुड़िक आम देखने। ऑप्शन ए रही 50 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस, बी ऑप्शन रही 50 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट अवतल लेंस, ओ सी रही 5 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस, डी ऑप्शन रही 5 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट अवतल लेंस। ताहले कहिलो ठीक आंसर टी कोटा हबो। ठीक आंसर टी हबो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस जोटा कि ऑप्शन होची सी सेटा हबो। ठीक आंसर। ताहले आमे आगो को बढ़िबा। देखो सात नंबर कौन कही क्वेश्चन को आम देख 15 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट अवतल दर्पण व्यवहार करी आमे गोटे वस्तुर सलख प्रतिबिंब पाइबा को इच्छा करुछु। ताहले दर्पण सम्मुख रे वस्तु जो दूरता परिसर मध्य रहिबो एवं प्रतिबिंबर प्रकृति कौन हेब, प्रतिबिंबर आकार वस्तु ठारु बड़ हेब ना सान हेब, रश्मि चित्र अंकन करी प्रतिबिंब गठन देखाओ। ताहले आमको एठारे दुई तीन टी क्वेश्चन पचारि देछि आमे स्टेप वाइज पॉइंट वाइज लिखि नेबा। देखो प्रथमे आमे लिखिबा अवतल दर्पणर पोल ओ फोकस मध्यरे वस्तु रहिले यार एक सलख प्रतिबिंब गठित हेबो। बी ऑप्शन रे आमे
पॉइंट आम लिखा प्रतिबिंब सलख और आभासी होता है यह दर्पण पक्षपटे गठित होता है। आम चित्र रश्मि चित्र अंकन करके प्रतिबिंब गठन होइथिबार ताहा देखे नबा एही बली तुम्हें चित्रटी अंकन करदेव। ताहले पुणी देख सी पॉइंट आम लिखा प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार ठारु बड़ होइथाय। ताहले चित्र देखि परुछ तापर आम जीवा आठ नंबर को। आठ नंबर आमको कही निम्नलिखित क्षेत्र में कि प्रकार दर्पण व्यवहार कराए ना कौ कौ थी देख ए कही कार हेडलाइट रे कार हेडलाइट रे कि प्रकार दर्पण व्यवहार कराए। बी रही जानर पछ देखा दर्पण पुणी सी रही सौर चूल्हा। ताहले आम प्रथम देखने ए जो रही कार हेडलाइट रे कौ दर्पण व्यवहार करा जाए ना जिते बिल आलोकित बल्ब अवतल प्रतिफलक फोकस ठारू रहे अवतल प्रतिफलक शक्तिशाली समांतर आलोक रश्मीर गुच्छ सृष्टि करिथे जहाँकि बहु दूर पर्यंत पड़ी थाए। तेणु कार हेडलाइट रे अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए। तो मेन है कौन कार हेडलाइट रे कौ दर्पण व्यवहार करा जाए अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए थे। पुणी आमको बीरे जो देछि जानर पछ देखिबा दर्पण रे कौ दर्पण व्यवहार होता है ना उत्तल दर्पण सर्वदा सलख और अति क्षुद्र प्रतिबिंब सृष्टि करी यह आम जानी। ताहले जानर पछपटे विस्तीर्ण अंचल दृश्य दर्पण रे परिष्कार देखि हुए तेणु जानर पछ देखा लगे उत्तल दर्पण व्यवहार करा जाए थे। पुणी सी आमको कही सौर चूल्हे कौ प्रकार दर्पण व्यवहार कराए। ताहले सौर चूल्हे अवतल दर्पण व्यवहूत होता है कारण कौन कारण हूँ ना जिते बेले सौर चूल्हा को एक बड़ अवतल प्रतिफलक फोकस ठारे रखा जाए प्रतिफलक द्वारा सौर तापयुक्त रश्मि अभिसरित हो कि चूल्हा उपरे फोकस होता है से सौर चूल्हा ताति जाए तेणु सौर चूल्हे अवतल दर्पण व्यवहार होता है। आम नौ नंबर को जीवा नौ नंबर देख कौन कही गोटे उत्तल लेंस रो अधा अंश कागज द्वारा आवृत कर दि जाए लेंस वस्तुर संपूर्ण प्रतिबिंब सृष्टि करी आमको प्रश्न है। तापर पुणी कही परीक्षा द्वारा तुम्हें उत्तर सठिकता को जानवा को चेष्टा कर तुम्हार पर्यवेक्षण को बुझाओ। तेल आम कौन कौन पर्यवेक्षण करवा परीक्षापी से गुड़िक आम एठार लिखा। तेल देख पॉइंट अनुसार लिखा ए आम प्रथम लिखने लेंस रो प्रत्येक अंश प्रतिबिंब गठन करें तेणु जदि लेंस रो अधिकांश कागज द्वारा आवृत कराए तथापि यह संपूर्ण प्रतिबिंब गठन कर पुणी देख किंतु प्रतिबिंब तीव्रता ह्रास पाइब दूर से वस्तुर प्रतिबिंब को एक परदा उपरे गठन कर यार सत्यता आम जानपरब। ताहले एठारे रश्मि चित्र अंकन करा जाइछि देखिनियो चित्रटी को भलो भाबरे ओ आंकिनियो। ताहले पिले आमे एबे जिबा दस नंबर को। दस नंबर रे कोन कहिछि ना देख गोटिए दस सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट अभिसारी लेंस ठारू पचीस सेंटीमीटर दूर रे एक पांच सेंटीमीटर दैर्घ्यर वस्तु रहिछि। ताहले रश्मि चित्र अंकन करी प्रतिबिंबर स्थिति प्रकृति और आकार निर्णय कर। ताहले एठारे आमको कौन कौन गिभेन देछि ना एठारे आमको कही देछि ना एच होछि 5 सेंटीमीटर यू केते रहिछि ना माइनस 25 सेंटीमीटर ओ एफ देछि 10 सेंटीमीटर। ताहले एथिरु आमे जेहेतु वस्तुटी अभिसारी लेंस ठारु 25 सेंटीमीटर दूर रे रहिछि एवं फोकस दूरता होउछि 10 सेंटीमीटर तेणु वस्तुटी लेंस रो 2f बाहर अवस्थित। देख रश्मि चित्र को देख एठारे किपरि रहिछि 2f वस्तुटी 10 सेंटीमीटर दूर रे रहिछि। लेंस रो सूत्र आमे जानिछे लेंस रो सूत्र अनुजाई 1/v माइनस 1/u u इक्वल टू केते 1/f। ताहले आमे
वन बाय भि इक्वल टू वन बाय एफ प्लस वन बाय यू भी करी वन बाय यू को आम ये आनीपरिताल एवं आम यार भैल्यू सब से बसईद वन बाय टेन प्लस वन बाय माइनस ट्वेंटी फाइव जदि यह कले आम कौन पाइले ना वन बाय टेन माइनस वन बाय ट्वेंटी फाइव है फाइव माइनस टू बाय फिफ्टी ताल आम काटिक पाइले थ्री बाय फिफ्टी ताल आम भि के पाइले भि पाइले फिफ्टी बाय थ्री ताकूट दे वन बाय भि हूँ थ्री बाय फिफ्टी ताल भि के फिफ्टी बाय थ्री ताकू काटला पर आम पाइले सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवेन सेंटीमीटर तापर देख बर्धन के ना एम इक्वल टू एच वन बाय एच ताल भि बाय यू है एच वन इक्वल टू के एच इंटु भि बाय यू ताल फाइव इंटु सिक्सटीन पॉइंट सेवेन बाय माइनस ट्वेंटी सेवेन आम काटिके माइनस थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर ताल प्रतिबिंब लेंस अपर पार्श्वरे एफ ओ टू एफ मध्य गठित हेब यह बास्तव ओ ओलटा एवं वस्तु ठार सान तापर आम आग को बढ़िया एगार नंबर क्वेश्चन एगार नंबर क्वेश्चन कौन कही देख लिले ना फिफ्टीन सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट गोटी अबतल लेंस निज ठार दस सेंटीमीटर दूर से प्रतिबिंब सृष्टि करुच्ची ताल लेंस ठार के दूर से वस्तु अवस्थित रश्मि चित्र अंकन कर प्रतिबिंब को देखाओ तो प्रथम आम रश्मि चित्रटी को अंकन करदे आमको कौन सब गिभेन देखे ना फोकस देखिए एफ एफ के ना माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर तापर भि के भि देखो टेन सेंटीमीटर ताल आम लेंस सूत्र तो जाचे वन बाय भि माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ ताल रश्मि चित्र अंकन कर आमको कही वन बाय यू यूर भैल्यू बाहर करने को कही वन बाय यू इक्वल टू वन बाय भि माइनस वन बाय एफ ताल आम भैल्यू फिट करदे वन बाय माइनस टेन माइनस वन बाय माइनस फिफ्टीन ताल देख आम माइनस टी को हटला पर कौन हम वन बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय टेन इक्वल टू टू माइनस थ्री बाय थर्टी ताल वन माइनस वन बाय थर्टी इक्वल टू ये है वन बाय यूर भैल्यू ताल यू आम पाई माइनस थर्टी सेंटीमीटर सुतरा आम कौन पाइले ना अतएव आम पाइले वस्तुटी थर्टी सेंटीमीटर दूरतारे बा टू एफ ठारे अवस्थित तो जान ली रश्मि चित्र अंकन करब तापर आम आग को जीवा देख पार नंबर कौन कही आमको पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट एक उत्तल दर्पण ठार दस सेंटीमीटर दूर से गोटे वस्तु अच्छी यार प्रतिबिंबर स्थिति ओ प्रकृति निर्णय कर ताल ये आमको दे दी यू के ना टेन माइनस टेन सेंटीमीटर एफ के फिफ्टीन सेंटीमीटर ताल दर्पण सूत्र आम जानी वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय भि ताल वन बाय भि इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय यू हो पार वन बाय भि इक्वल टू वन बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय माइनस टेन ताल वन बाय फिफ्टीन प्लस वन बाय टेन हे माइनस माइनस प्लस होगा ताल टू प्लस थ्री बाय थर्टीन है थर्टी है केते हे फाइव बाय थर्टी काटिक हे वन बाय सिक्स ताल आम वन बाय भि इक्वल टू पाइल वन बाय सिक्स भि इक्वल टू पाइले सिक्स सेंटीमीटर ताल प्रतिबिंब दर्पण पछपटे सिक्स सेंटीमीटर दूरतारे गठित हेब ओ आभासी सलख ओ वस्तु ठार सान आम तेर नंबर को जीवा तेर नंबर आमको कौन कही एक समतल दर्पण द्वारा सृष्टि प्रतिबर्धन प्लस वन अटे यार अर्थ कौन ना एठारे जो परिवर्तन प्लस वन अर्थ होउची प्रतिबिंबर आकार माने इक्वल टू होउची वस्तुर आकार प्रतिबिंबर आकार इक्वल टू वस्तुर आकार ताहले युक्त चिन्ह सूचित करे जे प्रतिबिंब आभासी और सलख हेब चौदह नंबर को जीवा चौदह नंबर रे 30 सेंटीमीटर वक्रता व्यासार्ध विशिष्ट एक उत्तल दर्पण ठारु 20 सेंटीमीटर दूर से 5 सेंटीमीटर उच्चर एक गोटे वस्तु अच्छी
प्रतिबिंबर स्थान प्रकृति और आकृति निर्णय कर। ताहले इठारे आमको गिभेन दे दीची एच एच केते पाइले 5 सेंटीमीटर यू अच्छी माइनस 20 सेंटीमीटर और आर अच्छी 30 सेंटीमीटर हेले एफ केते एफ इक्वल टू आर बाय टू ताहले आर तो वैल्यू आम पाइछे 30 बाय टू काटिके हेला 15 सेंटीमीटर ताहले दर्पण सूत्र पकई देवा वन बाय यू प्लस वन बाय भि इक्वल टू वन बाय एफ ताहले वन बाय भि आमको बाहर करने को हेबो वन बाय भि इक्वल टू केते पना वन बाय एफ माइनस वन बाय यू ताहले आम वैल्यू पकई देवा वन बाय एफ रो वैल्यू 15 वन बाय 15 माइनस वन बाय माइनस 20 ताहले यहाँ को जदि आम माइनस माइनस प्लस हो गला वन बाय 15 प्लस वन बाय 20 ताहले यहाँ को प्लस करदे ताहले कौन हे 4 प्लस 3 बाय 60 ताहले यहाँ को 4 प्लस 3 7 बाय 60 है वन बाय भि इक्वल टू पाईगले आम 7 बाय 60 ताहले भि इक्वल टू पाई 60 बाय 7 ताको काटिले के 8.6 सेंटीमीटर पुणी आम ताहले देखो दर्पण पक्षपटे आम के पाइले ना 8.6 सेंटीमीटर दूरतार प्रतिबिंब गठित हेबो और प्रतिबिंब कौन हम ना आभासी और सलख हे पुनश्च आमको एम बाहर करार अच्छी एम इक्वल टू आम जाने एच वन बाय एच ताहले माइनस भि बाय यू एच डेक्स एच वन इक्वल टू के माइनस भि बाय एच टू बाय यू ताहले आम आमको तो जना अच्छी भि रैल्यू और एच रैल्यू ताहले 15 नंबर को देख 15 नंबर कही 18 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट एक अवतल दर्पणर 27 सेंटीमीटर सम्मुखें 7 सेंटीमीटर आकार वस्तु रखाई दर्पण ठारु केते दूर रे एक परदा रखिले ताहा उपरे फोकस होइथिबा एक तिष्ठ प्रतिबिंब सृष्टि हेबो प्रतिबिंबर आकार ओ प्रकृति कौन हेबो ताहले एन्सर लेखिबो एच तो आम किभेन देइछि 7 सेंटीमीटर यू देइछि माइनस 20 सेंटीमीटर एफ देइछि माइनस 18 सेंटीमीटर दर्पण सूत्र अनुसार वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय भि ताहले वन बाय भि आमको पाइबार अच्छे इक्वल टू आम वन बाय एफ माइनस वन बाय यू करदे वैल्यू पुट करले ताहले वन बाय माइनस 18 माइनस वन बाय माइनस 27 ताहले माइनस वन बाय 18 प्लस माइनस माइनस प्लस है गला वन बाय 27 माइनस 3 प्लस 2 बाय 54 ताहले माइनस वन बाय 54 है भि इक्वल टू आम कौन पाईगले ना माइनस 54 सेंटीमीटर दर्पण सम्मुखें 54 सेंटीमीटर दूरतार प्रतिबिंब गठित होगा तेणु परदा को दर्पण ठार 54 सेंटीमीटर दूरतार रखा उचित प्रतिबिंब बास्तव ओलटा हो पुनश्च एम इक्वल टू आम एच वन बाय एच ताहले माइनस भि बाय यू एच वन इक्वल टू के माइनस भि बाय एच बाय यू ताहले माइनस ब्रेकेट भितर माइनस 54 इंटु 7 ताहले बाय 27 माइनस माइनस प्लस हो गला ता कटिकी कौन है माइनस 14 सेंटीमीटर प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार ठारु बड़ हे तापर आम 16 नंबर को जीमा इठारे कही गोटे लेंसर पावर हूँ माइनस 2.0 टी यार फोकस दूरता के कि प्रकार लेंस ताहले पी आम पाईगले पाइछे ना 2 माइनस 2 डी ताहले पी आमको पी इक्वल टू 1 बाय एफ एम एफ इक्वल टू 1 बाय पी आम पी रैल्यू पाई 1 बाय माइनस 2 ताहले माइनस 0.5 मे एम जेहेतु लेंसर पावर विजुक्तात्मक यह एक अवतल लेंस अटे 17 नंबर को जीवा जड़े डाक्तर प्लस 1.5 टी पावर संशोधनकारी लेंस व्यवहार करने को निर्धारण करिछंती लेंस र फोकस दूरते केते एही निर्धारित लेंस अपसारी ना अभिसारी हेबो तो आम एनसर आम ये देखे पी पाईगले आम प्लस 1.5 टी ताहले पी इक्वल टू 1 बाय एफ एफ इक्वल टू 1 बाय पी 1 बाय पी रैल्यू पाई 1.5 एम ताहले कटिकी कौन है ताहले 1000 बाय 15 सेंटीमीटर यह कटिकी 66.7 सेंटीमीटर जेहेतु लेंस रो पावर युक्तात्मक यह एक अभिसारी ओल अभिसारी